डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, 10th क्लास में हम लोग साइंस में अभी संनियंत्रण एवं समन्वय के चैप्टर को पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से। तो चलिए, अभी हम लोग उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जो एनसीईआरटी के बीच में जो प्रश्न होते हैं उनको क्लियर करने का। तो चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन है उसको नोट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, पादप हार्मोन क्या है? पहला क्वेश्चन से पादप हार्मोन क्या है? जी हाँ, हम लोग पिछले क्लास में पादप में यानी कि पेड़ पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में चर्चा किया था कि आखिर वे हार्मोन्स क्या होते हैं, और अलग अलग हार्मोन्स के नाम हम लोगों ने देखा था। ये भी पढ़ा था कि जैसे हार्मोन्स ऑक्सिन होते हैं, जिब्रेलिन होते हैं, ठीक है। तो ये सभी हार्मोन्स जो हैं पौधों के लिए अलग अलग एनर्जी देते हैं, अलग अलग काम करते हैं। सवाल था हमारा कि पादप हार्मोन किसे कहते हैं, क्या होता है? तो चलिए, पहला का उत्तर लिखा जाए। लिखेंगे, वे रसायन जो पौधों के वृद्धि कौमा विकास तथा पौधों में नियंत्रण और समन्वय की अनुक्रिया करती है, पौधों में नियंत्रण और समन्वय की अनुक्रिया करती है उन्हें पादप हार्मोन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर कोई पूछे कि पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, तो पौधों में संश्लेषित होने वाले वैसा रसायन जो पौधों के वृद्धि के लिए ज़रूरी हो, पौधों के समन्वय के लिए ज़रूरी हो, पौधों में विकास हो, इसके लिए जो रसायन स्रावित होते हैं पौधों में, वे पादप के क्या कहलाते हैं? हार्मोन्स। वे हार्मोन्स कहलाते हैं जो पौधों की वृद्धि करता हो, पौधों के विकास करता हो, विकास के लिए काम करता हो, तो उनके लिए जो भी रसायन स्रावित होते हैं उन्हें कहा जाता है पादप हार्मोन्स। चलिए, उसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं? पहले क्वेश्चन लिखा जाए। लिखेंगे, छुई मुई पादप की पत्तियां। दूसरा क्वेश्चन है, छुई मुई पादप की पत्तियां की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो छुई मुई पौधों की पत्तियां होती है, और एक तरफ उनका प्ररोह होता है, जैसे कोई भी लर प्ररोह किसको कहते हैं, जो जाकर लपेटता है किसी बाड़ पर लगा हुआ, जैसे लर चढ़ता है लौकी का, तो कैसे ऊपर लपेट लपेट कर चढ़ता है, तो उसको बोलते हैं प्ररोह। तो बोल रहा है कि प्ररोह जो है वो पत्तियों का सिकुड़ना, छुई मुई के पत्तियों का सिकुड़ना और प्ररोह का जो गति होती है उसको में क्या अंतर है, किस प्रकार भिन्न है दोनों की गति में, ठीक है। चलिए, दूसरे के आंसर लिखेंगे। उत्तर, छुई मुई पादप की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से निम्न प्रकार से भिन्न है। बोला था कि किस प्रकार भिन्न है, तो हम लिखेंगे निम्न प्रकार से भिन्न है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे,
पैराग्राफ जानते हैं ना, जैसे मान लिया भिन्न है यहाँ तक के आया, तो फिर उसके नीचे यहाँ से लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, छुई मुई पादप की गतियाँ पतियाँ, सॉरी, छुई मुई पादप की पतियाँ की गति अदैसिक 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 गति है, अदैसिक गति है, जो न तो प्ररोह की, जो न तो प्ररोह की प्रकाश की दिशा में होती है, जो न तो प्ररोह की प्रकाश की दिशा में होती है, और न ही उद्दीपन की दिशा में होती है। उद्दीपन की क्रिया की दिशा में होती है। अतः छुई मुई के पौधों में, अतः छुई मुई के पौधों में स्पर्शनु किंचित, स्पर्शनु किंचित गति पाई जाती है, स्पर्शनु किंचित गति पाई जाती है, जो 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 प्रकाश की गति के भिन्न है, जो प्रकाश की गति से भिन्न है। देखिए सवाल क्या बोल रहा था कि जो छुई मुई में की पत्तियां जो होती है और एक प्ररोह है, दोनों में किस प्रकार भिन्न है। तो जो प्ररोह होते हैं ना, हमेशा प्रकाश की ओर गमन करते हैं, हमेशा ऊपर चढ़ना चाहते हैं। इसलिए देखते होंगे लर उर जितना भी होगा, लौकी का लर या फिर और किसी भी चीज़ का लर, वो हमेशा कहाँ पे जाने का प्रयास करता है, हमेशा ऊपर ही चढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन छुई मुई की पत्तियों में जो गति होती है, उसको आप टच कीजिएगा तो सिर्फ अदैसिक होती है, न तो ऊपर की जाएगी और न ही ये गतियाँ नीचे की ओर आएगी, क्योंकि इसी को कहा गया स्पर्शनु किंचित, मतलब स्पर्श कीजिएगा तब तक मुरझा जाएगा। तो स्पर्शनु किंचित का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि जैसे ही स्पर्श करेंगे तो न तो ये छुई मुई की पत्तियां ऊपर की ओर गति करेगी और न ही उद्दीपन की दिशा में करेगी। इसीलिए इसको कहा गया कि ये कौन सी गति करती है, अदैसिक गति। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि जो छुई मुई की पत्तियों की गति है वो प्ररोह की गति से भिन्न है। तो कुल मिलाकर अगर सवाल आएगा कि छुई मुई की जो गतियाँ पत्तियों की जो गति होती है, ध्यान रहे, छुई मुई की जो पत्तियाँ की गति है वो प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है, तो याद रखिएगा छुई मुई की पत्तियों की गति अदैसिक है, जबकि प्ररोह की गति हमेशा ऊपर की ओर है, यानी प्रकाश की ओर है। और ये छुई मुई की पत्तियाँ न तो ऊपर की ओर जाती है, प्रकाश की ओर जाती है, और न ही उद्दीपन का काम करती है, उद्दीपन की गति करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि छुई मुई की पत्तियाँ में स्पर्शनु किंचित गति पाई जाती है, अतः प्ररोह की गति से यह भिन्न है, अलग है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 तक के हम लोग डिस्कस किए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको लिखा जाए पहले क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा जाए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो जो एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो पौधे के वृद्धि को बढ़ाता है, जो पौधे के वृद्धि को बढ़ाता है। यानी कि हम पादप हार्मोन्स के बारे में चर्चा किए थे कि पादप हार्मोन्स क्या हैं और उन हार्मोन्स का क्या क्या काम है, अलग अलग हार्मोन्स का अलग अलग काम है। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा पादप का हार्मोन दीजिए जो क्या है, पादपों में वृद्धि को बढ़ाता है, यानी कि पादपों के तना को भी बढ़ाया, पादप के शरीर बॉडी उसके उस ऊंचाई को भी बढ़ाया। तो इस ऐसा कौन कौन सा हार्मोन्स है, तो तीसरा में उत्तर लिखेंगे। हम लोग पढ़े हुए थे कि पादप में एक ऑक्सिन नामक क्या है,
हार्मोन है जो ये पौधों के वृद्धि करता है, मतलब ऊंचाई को बढ़ाता है। और एक होता है जिब्रेलिन नामक एक हार्मोन है जिसका काम है उत्तना को बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा था कि पौधों के वृद्धि को बढ़ाता है, यानी कि वृद्धि मैंने कुछ भी वृद्धि हो सकता है, उसका हाइट भी, उसका तना शाखा भी बढ़े। तो ये मेंशन नहीं है कि हम लोगों को क्या वृद्धि के बारे में बोला जा रहा है। तो थर्ड नंबर का आंसर लिखा जाए, लिखेंगे एक पादप हार्मोन का उदाहरण, एक पादप हार्मोन का उदाहरण जिब्रेलिन हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन है जो जो पौधे के तने की वृद्धि में, जो पौधों के तने की वृद्धि में सहायक है, पौधों के तने के वृद्धि में सहायक है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम के बाद लिखिएगा पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण, पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण ऑक्सीन हार्मोन है, ऑक्सीन हार्मोन है जो जो प्ररोह के, जो प्ररोह के अग्रभाग में, प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, संश्लेषित होता है, यह पौधों के वृद्धि में सहायक होता है, यह पौधों के वृद्धि में सहायक होता है। जी हाँ, सवाल क्या बोल रहा था कि ऐसा पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो पादपों के वृद्धि को बढ़ाता है, यानी कि उनमें वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा पौधों की जो हाइट है उस हाइट को बढ़ाने के लिए, उस हाइट को बढ़ाने के लिए ऑक्सीन हार्मोन काम करता है, जबकि जिब्रेलिन का काम है, अगर मान लिया पौधे की डाली शाखा ये सब फेंका रहता है ना, डाला तना ये सब निकला हुआ रहता है, उस तने की जो वृद्धि होती है वो किसके वजह से होता है, याद रखिएगा जिब्रेलिन हार्मोन। तो यहाँ पे हम लोग दोनों हार्मोन्स यहाँ पे लिख दिए हैं कि भाई पादप का एक उदाहरण, पादप हार्मोन का एक उदाहरण जिब्रेलिन है जिसका उपयोग से पौधों की तने में वृद्धि होती है, और पादपों में एक पाया जाने वाला ऑक्सीन हार्मोन है, इसका काम है कि पौधों की लंबाई वृद्धि होगी, पौधों की ऊंचाई बढ़ेगी। तो इस तरीके से टोटल प्रश्नों की संख्या दोस्त पाँच पाँच है। हम लोगों ने तीन प्रश्नों को ये किया है और बाकी के दो क्वेश्चंस को अगले दिन डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हम लोगों को प्रश्न पाँच क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम लोग तीन क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।